हे गाइस, वेलकम टू एपिसोड सेकंड ऑफ भरतपुर ट्रिप। इस टाइम मैं पहुंच गया हूं भरतपुर बर्ड सेंचुरी के गेट पे। मैंने अपनी टिकट ले ली है जो कि है 111 रुपीज़ पर पर्सन, और मैं पार्क के अंदर जाऊंगा साइकिल से। साइकिल का रेंट है 150 रुपये पूरे दिन का। आप जितना टाइम स्पेंड करना चाहते हो कर सकते हो, और साइकिल को पूरे दिन यूज़ कर सकते हो, आपको सिर्फ 150 रुपये देने हैं। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ भरतपुर बर्ड सेंचुरी के अंदर। ये है भरतपुर बर्ड सेंचुरी का मेन गेट। इस साइड पे है एंट्री टिकट काउंटर। यहाँ सामने है बहुत सारे रिक्शे जो आप हायर कर सकते हैं। ये है जी अपनी साइकिल जो मैंने रेंट पे ली है। तो जी एंटर कर गए हैं हम भरतपुर बर्ड सेंचुरी में। ये सीधा सीधा रास्ता सेंचुरी के एंड तक लेके जाएगा हमें। मैंने रिक्शा हायर नहीं किया है बिकॉज रिक्शा के जो चार्जेस हैं वो थोड़े ज़्यादा पड़ते हैं अगर आप टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो तो। वो थोड़ा सा वेस्ट लगता है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आई थिंक इट इज़ ओके टू हायर ए रिक्शा, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी नॉलेज होती है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। बट अगर आप रेगुलरली आ रहे हो या आपको थोड़ा बहुत पता है भरतपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में, तो आपको रिक्शा हायर करने की ज़रूरत नहीं है, और साइकिल पे अपना फ़न है। बाकी अभी धीरे धीरे चलते हैं अंदर और देखते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आज हमें क्या मिलता है। बड़ा अच्छा मौसम है फ़िलहाल, टेम्परेचर इज़ अबाउट 24 डिग्रीज और समथिंग, और अच्छा है, मतलब बहुत गर्मी भी नहीं लग रही है, और अगर आप शेड में खड़े हो जाओगे तो हल्की हल्की हवा ठंडी लगेगी आपको। एक चीज़ और मैं बता दूं, इस पार्क के अंदर नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, मोबाइल नेटवर्क लगभग सारे चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार अंदर चले गए तो कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी या कुछ। पहले इनके पास वो नॉर्मल वाली साइकिल्स होती थी जो बहुत पुरानी होती थी, अब सारी नई साइकिल्स हैं और बहुत ही अच्छी साइकिल्स हैं, मतलब डिस्क ब्रेक भी लगी हुई है साइकिल में। आगे कहीं रुक के मैं आपको साइकिल भी दिखाऊंगा। यहाँ से शुरू होता है वेटलैंड। पानी के ऊपर काफ़ी एल्गी जमी हुई है जिसकी वजह से पानी का कलर पूरा ग्रीन दिख रहा है, पर जंगल बहुत मस्त लग रहा है यार। आगे काफ़ी लोग रुके हुए हैं तो मे बी कोई एक्टिविटी हो, तो चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है पिनटेल डक्स जी, फोटो लेने की कोशिश। आप जो इसका फोटोग्राफी कर रहे हो ये पिनटेल डक्स का मेल है। अच्छा, तो ये कैसे पता लगेगा? गर्दन का कलर व्हाइट है और इसके तीन कलर होते हैं, और जो फीमेल होता है उसका चॉकलेटी जैसा कलर होता है, इसका टेल देखो पिन जैसा होता है। बाकी देखो उसमें लेफ्ट में एक दूसरा वाला कॉमन टील डक्स दिख रहा है। यहाँ जगह जगह मैं अलग अलग स्पॉट्स पे रुक के कुछ बर्ड्स कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे सामने बिल्कुल सन है और पीछे की तरफ जो लाइट आ रही है अमेजिंग, बहुत ही सुंदर फोटोज आ रही हैं। कुछ फोटोज देखो आप। ये जो सामने शोर आ रहा है ये है जंगल बैबलर्स, इन्हें जंगल का गुंडा भी कहा जाता है। ये इसी तरह से ग्रुप में आते हैं और आसपास के सभी बर्ड्स को परेशान कर देते हैं, और ये डरते भी नहीं है। ये देखो कितने मज़े से बैठे हैं। और ये है अपनी साइकिल, ये इन्होंने अच्छी खासी बढ़िया सी साइकिल, बिल्कुल न्यू एज साइकिल इन्होंने लोगों के लिए रख रखी है। पहले जो थी वो बहुत पुरानी टाइप की साइकिल थी, और इनकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। आगे इसके डिस्क ब्रेक भी है। सो बिग थम्स अप टू केओला देव नेशनल पार्क मैनेजमेंट, ये काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है। क्या मस्त, एकदम ब्लू कलर है और थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है ये। तो अभी मेरे पीछे है बार हेडेड गूज। बार हेडेड गूज वो बर्ड है जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर से उड़ते हुए देखे गए हैं। दैट्स द रीज़न दे आर कॉल्ड द हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन द वर्ल्ड। तो इनके भी कुछ शॉट्स मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बिल्कुल मेरे पीछे है एक बहुत बड़ा पेलिकन, मज़े कर रहा है पानी में, मछलियाँ खा रहा है, बहुत बढ़िया एक्टिविटी हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद वीडियो कैमरा में अच्छे से ना आ रहा हूँ, बट मैं इसके कुछ फ़ोटोज़ निकालने की कोशिश करता हूँ। तो अभी मैं मेन रूट से थोड़ा सा ऑफ रूट करके इस तरफ आ गया हूँ। पूरा वेटलैंड है और दूर दूर पेंटेड स्ट्रॉक हैं, पानी के ऊपर पूरी एल्गी जमी हुई है इसलिए आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, बट दिस इज़ एक्चुअली वाटर।
तो ये मेरे को मिल गए हैं भैया, इनका नाम है शेर सिंह जी। मेरा नाम सर शेरू सिंह है। अच्छा, मैं 1985 से रिक्शा चलाता हूँ इधर। ये सर मेरे साथ पहले भी घूम चुके हैं, जब इनके पास छोटा कैमरा था मैंने बोला सर लंबा लेंस लो, बड़ा वाला जूम लेंस, टेली लेंस, अच्छी फोटोग्राफी आएगी आपके लिए। मैंने शौक डाला था इनको फोटोग्राफी। और देखो मेरे को एक्चुअली इनका नाम भी याद था, तो ये इससे प्रूव हो गया है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो जी चलते हैं। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे। ठीक है, यहाँ पे आज लाइट ना एक्चुअली बहुत अच्छी है, और उस लाइट में भी जो पानी का कलर और ग्रीनरी का कलर इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, और उसमें जो बर्ड्स मिल रहे हैं उनकी फोटोज बहुत अच्छी आ रही हैं। आई होप अभी तक मैंने जितनी फोटोज खींची होंगी वो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना यार, पॉज करके लाइक कर देना, फिर आगे बढ़ जाना। बस अभी 2 मिनट में मैं यहाँ से इस पार्क के लास्ट पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा, केवलादेव नेशनल पार्क के लास्ट पॉइंट पे। यहाँ पे एक मंदिर है और कैंटीन भी है, तो काफ़ी थक गया था, थोड़ा बहुत पसीना भी आ रहा है, तो पानी वानी पी रहे हैं। पानी अपने साथ पूरा कैरी कर रहा था, ऑल्दो यहाँ पे मिल जाता है लास्ट पॉइंट पे, बट फिर भी मैं अपने साथ पूरा कैरी कर रहा था। जो इस पार्क का मेन गेट है, मतलब कि जो मेन रोड है, वहाँ से इस लास्ट पॉइंट तक डिस्टेंस है 5.5 किलोमीटर। ये है यहाँ की कैंटीन, चाय, मिनरल वाटर, ठंडा, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ यहाँ मिलता है। भैया कैंटीन के टाइमिंग क्या है? शाम को 5 बजे तक और सुबह 7 बजे खुल जाती है। तो जी चाय आ गई है अपनी, बस चाय पियेंगे और यहाँ से वापस निकलेंगे। सो जी अभी मैं आ गया हूँ यहाँ के बहुत ही फेमस सनसेट पॉइंट पे। यहाँ पे बहुत अच्छे फोटोज आते हैं सनसेट के।